ये वाला और ये वाला ऐसे ऐसी बन रहा है ना। क्या नाम है कॉलेज का? सिद्धार्थ कॉलेज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ दिल्ली से मुंबई। यहाँ स्टे कर रहा हूँ बेलापुर में। आज मैं जा रहा न्यू ईयर मनाने के लिए अपना सी एस टी है, वहाँ पे मरीन ड्राइव है और ये सब ये है उसका ट्रेन, यही ट्रेन में मैं जाने वाला हूँ। तो हमारी ट्रेन चल पड़ी है यहाँ से बेलापुर से, अब हम जाने वाले यहाँ से डायरेक्टली CST। सो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। फाइनली हम जहाँ जाने वाले वहाँ पहुँच चुके हैं। ये है छत्रपति शिवाजी CST स्टेशन। यहाँ पे इसके आगे मेरा दोस्त भी आया है मेरे को रिसीव करने के लिए, तो आइए मिलते हैं बीच में। फाइनली हम CST पहुँच चुके हैं। Lost in your eyes, under your spell. पहुँच चुके हैं। ये CST के बाहर का व्यू है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ट्रैफिक है और ये व्यू भी बहुत सुंदर है। दोस्तों, इतना रश था न्यू ईयर के दिन की चल नहीं पा रहे थे हम लोग रोड में, इतना रश था। और यहाँ के व्यू तो कमाल के थे, इतने कमाल की कुछ पूछो मत। मेरे को तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। इतनी ट्रैफिक हो गई थी ना कि हम लोग सिग्नल क्रॉस नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर ही। मेरे दोस्त आ चुके हैं उनको लेने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव और गेट ऑफ इंडिया। अभी अपने बैग लेगा कंपनी में से, फिर हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो देखिए यहाँ पे रश कितना हो रहा है अभी। इसमें से कॉलेज कौन सा है? कॉलेज वाला। क्या नाम है कॉलेज का? सिद्धार्थ कॉलेज। ए, इसको ये क्या है? बिल्डिंग है, ये सिद्धार्थ कॉलेज। नहीं, ये वाला बिल्डिंग है। और ये वाला ऐसे ये LIC बन रहा है ना? ये वाला सिद्धार्थ कॉलेज है। तो गाइस, यहाँ पे मेट्रो का काम चालू हुआ है। देखिए मेट्रो का कितना सेफ्टी किया गया है। L&T ने बहुत सेफ्टली इसको बनाया है ताकि किसी को कुछ चोट ना लगे कुछ। और मार्शल भी यहाँ पे कहा जाता है, मार्शल लोगों को भी रखा गया है यहाँ पर ही, ताकि ट्रैफिक अच्छे से क्लियर हो। अभी फ़िलहाल हम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ से उसका बैग लेंगे और सीधा मरीन ड्राइव या गेटवे ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं। का बता, ये हुतात्मा चौक है। ये दोनों ये मशाल लेके खड़े हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मुंबई गुजरात के बीच में लड़ाई हुआ था, जिस दौरान मुंबई वालों की जीत हुई थी। हाँ, गुजरात वालों की उनका मांग रहा था ये एरिया गुजरात के अंदर लिया जाए, परंतु उसको मुंबई के अंदर ही सीमित रख दिया गया। बस अब उसको यहाँ पे लाखों लोगों की जान गई थी। अब वो तो फ्लोरा फाउंटेन है। हाँ, वो चालू कब होता है? वो चालू शाम में होता। रात हो गई, अभी तक का फाउंटेन चालू नहीं है। शाम अभी बंद कर दिया जाएगा, मगर अच्छा लग रहा है। हम लोग निकल चुके हैं, चर्च गेट जा रहे हैं। लोग चर्च गेट से मरीन ड्राइव जाएंगे। अभी हम लोग मरीन ड्राइव के लिए निकले। देखिए ट्रैफिक इतना है कि क्रॉस नहीं कर पा रहे हम लोग। वो साइड से क्रॉस करके यहाँ पर ही आए हैं मरीन ड्राइव में। और देखिए रश इतना है, बाकी नॉर्मल टाइम में बहुत रश कम रहता है यहाँ पर ही, अभी इतना रश है। देखिए क्या बिल्डिंग को सजाया गया है, लाइटिंग दिया गया है, इतनी ट्रैफिक है, पब्लिक इतनी भीड़ है। इसमें देखिए लाइटिंग चल रहा है ऊपर में और इतनी भीड़ है, लाइटिंग ना बैठने का जगह मस्त लग रहा है ना। फिर भी हम लोग कैसे कैसे करके बैठे हैं, हमने जगह ये स्पॉट किया है। और ट्रैफिक भी इतना हो रहा था कि पब्लिक कार भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। देखिए यहाँ पर इतना रश है कि बैठने की कहीं जगह ही नहीं मिली। देखिए दूर दूर तक का पब्लिक बैठी है और व्यू तो मत बोलिए, इतनी कमाल की व्यू है ना कि मैं कुछ बोल नहीं सकता था। फर्स्ट टाइम मैं मुंबई आया हूँ दिल्ली से, मगर बहुत मज़ा आया। देखिए इतना रश हो चुका है यहाँ पर, इतना रश कि हम लोग को जगह ही नहीं मिल रहा था। फाइनली बहुत मुश्किल से हम लोग को जगह मिला, मगर बहुत बहुत सर्च किया, पब्लिक बैठी हुई है। गाने वाला भी भैया कितने मस्त गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे गाना सुन के। आप भी मेरे को कमेंट करके बताइए आपको गाना ये कैसा लगा। Even though it's new, I can already tell all that this feeling
is taking over.